देश ने कि ड्रग फ्री बनाना है स्टेट में उदे तहत जो एंटी ड्रग कैंपेन है उदे कमिश्नर पुलिस अमृतसर बड़ी वड्डी कामयाबी मिली है। 3 किलो हीरोइन फड़ी है और 4 स्मगलर फड़े गए ने। और ये जी बेसिक गल है वो ये है कि 2 केस रजिस्टर हुए ने और इन दोनों केसों पाकिस्तान बेस्ड और फॉरन बेस्ड स्मगलर्स का जोड़ा एंगल वो सामने आया। ये जोड़ा छियाटे के केस दर्ज हुआ जो 2.5 किलो हीरोइन फड़ी गई है। सोहेल है लड़का लाहौरगढ़ गेट अमृतसर का, ये बाहर पाकिस्तान के स्मगलर्स ना डायरैक्टली टच सी और उस तो अलावा बाकी फॉरन कंट्री के स्मगलर्स ना भी इन टच सीगा। ये सारी जी दोनों बड़ी अच्छी रिकवरियां हुई है। साढ़े DCP मिस्टर हरप्रीत मंडेर, DCP साहब अभिमन्यु राणा जी, शिव दर्शन साढ़े ACP और रॉबिन हंस और विनोद कुमार साढ़े SHO, इन दोनों की और इन्हों की टीम की बड़ी अच्छी भूमिका रही है। सोहेल की पुछगिछ तो असी अगे जिहड़ा गल्लां ट्रेस कर रहे हैं जां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वह इस समय असी तुहाडे नाल शेयर नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी वड्डा काटल सामने आया है। ये 25 साल की उम्र है, 12वीं पास है, अंडे वगैरह की रेहड़ी लाउंदा सी पैंदा ये खजाना गेट के कोल अमृतसर। तो 2 महीने तो ज़्यादा सरगर्म होया जो इहदी मुढ़ली पुछगिछ तो पता लग्या। दूसरा जिहड़ा थाने सदर का केस है उहदे च 4 बंदे फड़े गए ने, 2 भरा उन्हां चारां चों 2-2 भरावां दे अक्यूज ने। वो अवतार सिंह है ते समीर, ये दोनों रियल ब्रदर ने, अर्शदीप ते युवराज, ये सारे नुशहरा टाला थाना सराय मानत खान डिस्ट्रिक्ट तरन तारण के रहने वाले है। और जिहड़ा अवतार सिंह है ये खिलाफ़ 2 FIR पहले NDPS दी दर्ज है तरन तारण के और हलवाई का काम करता सीगा ये पहला। उस तो बाद ड्रग स्मगलिंग च आ गया और जेल चो बाहर आके भी ये काम कर रहा है। समीर जिहड़ा हैगा ये उहदा ब्रदर है, ये खिलाफ़ एक FIR दर्ज है NDPS एक्ट की तरन तारण के। जिहड़ा अर्शदीप हैगा ये खिलाफ़ कोई पहला पर्चा दर्ज नहीं पर इन्हां तो नाल जुड़िया। ये अलमीनियम के दरवाजे बनाउण का काम करता है। और युवराज जिहड़ा ये वैल्डिंग की दुकान है झपाल, तो बट ये खिलाफ़ भी पहला कोई परचा नहीं। और ये दसन मुताबिक लास्ट 8-10 महीनों तो काफ़ी ये हीरोइन ट्रेड के स्मगलर्स के कॉन्टैक्ट के है। सो मैं इनू बड़ी अच्छी कामयाबी मानना, थोड़ा प्रेस नोट भी शेयर किया जाएगा। सो साड़ी जी कोशिश यही है कि ये जो फॉरवर्ड तो बैकवर्ड लिंकेजेस ने बॉर्डर एरिए कंसाइनमेंट्स से सारा इन्हों का कॉन्टैक्ट बनते हैं। और जोड़े वो 4 दोषी दूजे केस के तो पिंड ही सारा काफ़ी इस दे अगे फिगर हुए उस पिंड के काफ़ी अपन स्मगलर्स। सोहेल का जोड़ा नैटवर्क वो भी काफ़ी व्डा दसया जा रहा और भी जो अमृतसर रूरल डिस्ट्रिक्ट कुछ जो स्मगलर्स ना भी इन टच रहा। और सिटी के जोड़े गाहक है वह भी सारे असी जोड़े इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद है कि ये आने वाले समय सानू काफ़ी अच्छी होर रिकवरी होने की आस है। ये ड्रग मनी तो तोलन वाला जरा स्केल है वह भी रिकवर होया। और मैं सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दें। सर सोहेल से पहले भी मामला दर्ज है? सोहेल का अजे पता नहीं लगे जी, पहला कोई मामला नहीं आया सामने। सर जो कह रहे बाद देखो जिदा आप पहला भी बहुत बार रिकवरियां देखिए कि बाहर बैठे है, जो कोई अपने यूरोप च बैठा है, कोई अमेरिकन कॉन्टीनेंट बैठा है, कैनेडा च बैठा है, वो बाहरों बैठे बंदे इन्हों का संपर्क लोकल बंद और पाक बेस स्मगलर्स का आपस कॉन्टैक्ट करवाते हैं। तो उन्होंने फिर असी जी हवाला राही पैसों का भी लेन देन करते हैं। सो इन केसों के भी जी मनी ट्रेल है उन्होंने भी असी बड़ी डूंगाई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बेसिकली ये सारा जोड़े इतों क्रिमिनल बंदे गए या उत्थे बैठे उन्होंने ईजी मनी की जी लालच है वो मैं समझदा कि वो इस चीज़ों होर इनकरेज करते। सर
ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਲਰਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਬਹੁਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯੁਵਰਾਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਰਜ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਟਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੇਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਹੈ ਸੀਜ਼ਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਓਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ICPL ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੰਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਹਰੇਕ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਗਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅਲਰਟ ਰਹੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ A ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ।